है hey गाइस कैसे हो आप सब मैं हूं निखिल और आप सभी का स्वागत है इस न्यू वीडियो में आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम लोग क्रिएट करेंगे एक एब्स्ट्रैक्ट पोस्टर डिज़ाइन फोटोशॉप के अंदर अब इससे पहले कि हम लोग ये वीडियो स्टार्ट करें पहले तो समझ लेते हैं कि इस टाइप के डिज़ाइंस का बेनिफिट क्या होता है अब यूजली ऐसे टाइप के डिज़ाइंस कमर्शल या यू नो कारपोरेट या लाइक प्रिंट डिज़ाइन या कुछ भी ऐसे टाइप के जो ऑफिशियल इवेंट्स होते हैं वहां पर बहुत कम यूज़ होता है इस डिज़ाइंस को बनाने का पर्पज़ ये होता है कि हम कुछ यूनिक और कुछ नया टेक्निक सीखे या अपने सेल्फ प्रैक्टिस के लिए भी हम लोग इस टाइप के डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं स्पेशली अगर आप लोग अपने कलर कॉम्बिनेशन को अच्छा करना चाहते हो तो इस तरह के एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे क्योंकि इस इस टाइप के डिज़ाइन में क्या होता है कि हमें कोई एक स्पेसिफिक मेथड या कोई स्पेसिफिक यू नो जैसे कलर uh, थेरी होती है या टाइपोग्राफी uh, हायरार होती है ऐसे टाइप के यू you नो know, जो डिज़ाइन प्रिंसिपल्स होता है उन्हें फॉलो करने की लाइक like, ज़रूरत नहीं होती यूजली मैं इस टाइप के डिज़ाइंस सेल्फ प्रैक्टिस के लिए बनाता हूँ इसमें क्या होता है कि जब भी मैं ये डिज़ाइंस बनाता हूँ इसमें मैं कोई पर्टिकुलर वे या कोई पर्टिकुलर आइडिया फॉलो नहीं करता मेरे माइंड में पहले से कुछ नहीं होता कि मुझे ऐसे टाइप का ही डिज़ाइन बनाना है मैं बस रैंडमली स्टार्ट करता हूँ और जैसे जैसे uh, मैं आगे बढ़ता हूँ डिज़ाइन के साथ तब मैं उसे अपने माइंड में बिल्डअप करना स्टार्ट करता हूँ तो इससे क्या होता है कि हमारा जो एक क्रिएटिव माइंड है वो भी काफ़ी खुल जाता है हमारे कलर कॉम्बिनेशन की सेंस जो है वो अच्छी हो जाती है है, काफी बार हम लोग ऐसे टाइप के डिजाइन जब बनाते हैं तो क्या होता है कि हमें काफ़ी सारे नए इफेक्ट्स एक्सप्लोर करने मिलते हैं क्योंकि ये हम लोग बस एक रैंडमली एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन बना रहे हैं जैसे कि मैंने कहा हमें कोई स्पेसिफिक वे नहीं फॉलो करना है सो so इस तरह के डिज़ाइन हमारी जो क्रिएटिव फ्रीडम होता है उसका पूरा बेनिफिट लेने में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है तो इसीलिए मैंने ये कुछ दिन पहले डिज़ाइन बनाया था मैंने पोस्ट किया था और आप लोगों को बहुत अच्छा लगा तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक ट्यूटोरियल बनाया जाए तो चलिए इसी के साथ आज का ये ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं ऑल राइट गाइज तो यहाँ पर है हम लोग फोटोशॉप के अंदर स्टार्ट करते हैं क्रिएट करके एक न्यू uh, डॉक्यूमेंट जो डॉक्यूमेंट साइज में लूंगा वो होगा विद सेट है 2000 पे और हाइट सेट है 2500 पे रिजोल्यूशन सेट है 300 पर और कलर मोड सेट है आर पर अगर आप लोग चाहो तो कोई और डिमेंशन या और साइज़ भी ले सकते हो आपके पर्सनल प्रेफरेंस के हिसाब से आप जिस भी साइज़ uh, का पोस्टर बनाना चाहो वो बना सकते हो सेम टेक्निक यूज़ करके तो इससे मैं नाम दे दूँगा पोस्टर क्लिक करेंगे क्रिएट पर ऑल राइट सो ये हमारा आर्ट बोर्ड या डॉक्यूमेंट है वो रेडी है अब सबसे पहले हमें एक बैकग्राउंड क्रिएट करना है तो उसके लिए मैं एक ग्रेडियंट यूज़ करूँगा ताकि हमें एक वेरिएशन मिले और हमारा जो बैकग्राउंड है वो फ्लैट ना लगे तो उसके लिए मैं सिंपली यहाँ पर जाकर ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट करूँगा अब मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लास्ट टाइम जैसे मैंने क्रिएट किया था या जब भी मैं प्रैक्टिस कर रहा था इस डिज़ाइन को बनाने की तो मैंने ऑलरेडी ये ग्रेडियंट यूज़ किया हुआ है तो मैं अभी के लिए इसे रीसेट कर देता हूँ ब्लैक एंड वाइट पर ताकि आप लोग को स्टार्ट से बता पाऊँ और मैं यहाँ पर कुछ कलर कोड्स यूज़ करूँगा स्पेसिफ़िक कलर्स के ताकि यू नो कलर सिलेक्शन में हमें ज़्यादा टाइम ना लगे और मैं जो ये कंप्लीट प्रोजेक्ट है मैंने उसकी लिंक दे दी है डिस्क्रिप्शन में जहाँ से आप लोग ये पूरा प्रोजेक्ट डाउनलोड कर सकते हो और ये कलर कोड्स भी आपको मिल जाएंगे ठीक है तो बैकग्राउंड के लिए मैं एक डार्क कलर लूँगा पहले तो ये वाला इसे कॉपी करूँगा अभी के लिए कलर कोड्स को मैं बाहर रख देता हूँ फिर इस पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा यहां पर जाकर वो कोड को पेस्ट कर दूंगा और सेम चीज इस पॉइंट पर भी ठीक है उसके बाद में यहां पर क्लिक करके एक नया पॉइंट बना दूंगा ग्रेडियंट के लिए और फिर यहां पर मैं एक लाइट पर्पल कलर यूज करूंगा तो सिंपली इसे सिलेक्ट करूंगा यहां पर क्लिक करूंगा कंट्रोल वी करूंगा पेस्ट करने के लिए और हमारा जो ग्रेडियंट है वो रेडी हो चुका है अब क्लिक करेंगे ओके okay पर और फिर सिंपली इस तरीके का एक मैं ड्रैग कर दूंगा जिससे हमारा जो बैकग्राउंड ग्रेडियंट है वो बन जाएगा बहुत ही ईजिली जो बैकग्राउंड का कलर है उसे मैं वाइट कर देता हूँ इस तरीके से ठीक है फिर अब स्टार्ट करता है सबसे जो मेन सेंटर ऑफ अटेंशन है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है बेसिकली हमारे डिजाइन का वो है वो सर्कल तो उसे बनाने के लिए मैं यूज करूँगा लिप टूल और यहाँ पर सेंटर में से इस तरीके का मैं सर्कल बना लूँगा ठीक है डजन मैटर कौन सा कलर है हम लोग कलर वैसे भी चेंज करने वाले हैं तो फिर मैं जाऊंगा एफेक्ट्स में और ऐड करूंगा एक ग्रेडियंट ओवरले अब यहाँ पर मैं एक रेडियल ग्रेडियंट यूज कर रहा हूँ जैसे कि आप लोग देख सकते हो जो स्केल है वो 150 फिफ्टी पे सेट है और जो कलर है अगेन मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ तो आप लोग चाहो तो ये सेम कलर कोड यूज कर सकते हो एक है रेड और एक है काइंड ऑफ पिंकिश पर्पल कलर ठीक है और वो रेडियल पे रेडियल पे सेट है हो सकता है कि डिफॉल्ट लिनियर पे हो तो आपको बस इसे रेडियल पे सेट कर देना है और फिर मैं जाऊंगा आउटर ग्लो पे और एक आउटर ग्लो ऐड करूंगा यहाँ पर जो ओपेसिटी है आउटर ग्लो की वो मैंने सेट की है 70 परसेंट पर जो नॉइज़ है उसे जीरो पे रखा है और अगेन जो कलर है उसे मैंने पिंकिश पर्पल पर रखा है और जो एलिमेंट्स है उसे सॉफ्ट पे रखेंगे साइज को 250 पर और रेंज को 70 पर रखेंगे अगर आप लोग चाहो तो इसके साथ प्लेयराउन कर सकते हो जैसे भी टाइप का आपको लुक चाहिए बट मुझे पर्सनली 70 परसेंट काफी सही लगता है तो मैंने उसे 70 पर रखा है इससे हमें बहुत अच्छा सा एक ग्लो मिल जाता है ठीक है हिट करेंगे ओके okay? अब मैं राइट क्लिक करूंगा और इसे कन्वर्ट कर दूंगा स्मार्ट ऑब्जेक्ट में ठीक है हम लोग इसे कहेंगे सर्कल फिर अब मुझे एक हाईलाइट बनाना है इस सर्कल के ऊपर उसके लिए मैं एक न्यू लेयर क्रिएट करूंगा इसे मैं नाम दे दूंगा हाईलाइट ठीक है राइट क्लिक करेंगे और क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर देंगे फिर मैं बी प्रेस करके ब्रश टूल सिलेक्ट करूंगा मैंने काफी सॉफ्ट सा एक ब्रश रखा हुआ है और जो कलर है वो मैं ऑरेंज ही लूंगा और फिर हल्के हाथों से मैं इस तरीके से टैप करूंगा जिससे हमें ये बहुत ही अच्छी से एक ऑरेंज हाईलाइट मिल जाएगी इस तरीके से और जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि अभी ये काफी ज्यादा अच्छा दिख रहा है ठीक है तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और जो रेक्टेंगल शेप्स थे उन्हें हम क्रिएट करेंगे तो उसके लिए मैं यहां पर जाऊंगा और रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करूंगा जिस भी तरह की जिस भी तरह का मुझे शेप बनाना है उस तरह का मैं एक रेक्टेंगल बना लूंगा इस तरीके से फिर जाऊंगा मैं एफेक्ट में और ऐड करूंगा एक ग्रेडियंट ओवरले इस बार मैं इसे रखूंगा लिनियर पर ठीक है और इसे हम लोग सेट कर देते हैं 90 पर फिर जाएंगे इसमें और इस बार मैं कलर कोड अगेन यूज करूंगा सो रेड के लिए मैं एक इस तरीके से यहाँ पर टैप करके काइंड ऑफ पर्पल ब्लू कलर यूज करूंगा और इस पॉइंट के लिए मैं एक प्रॉपर पर्पल कलर यहां पर यूज करूंगा इस तरीके से ठीक है ओके कर देंगे तो हमें बहुत ही कूल सा एक शेप मिल जाएगा यहाँ पर फिर मुझे क्या करना है सिंपली मैं इसे यहाँ पर इस तरीके से प्लेस कर दूंगा यहाँ जाकर एक लेयर मास्क ऐड करेंगे फिर बी प्रेस करके ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे और मेक श्योर sure करेंगे कि ये जो हमारा फोरग्राउंड कलर है वो ब्लैक पे सेट हो आप लोग एक्स प्रेस करके इसे स्विच कर सकते हैं तो ब्लैक मतलब ये इरेज करेगा इस तरीके से और वाइट मतलब ये अनइरेज करेगा मतलब जो कि हमने इरेज किया है उससे वो फिर से वापस ले आएगा तो मैं एक्सप्रेस करके ब्लैक फोरग्राउंड कर दूंगा यहाँ पर और सिंपली जहाँ पे भी मुझे इस शेप को इरेज करना है इस तरीके से ओवरलैप कराना है तो मैं यहाँ पर इरेज कर दूंगा मैं एक्सप्रेस करके जहाँ पर मुझे ओवरलैप नहीं कराना है उसको फिर से इस तरीके से ला सकता हूँ तो मैं बहुत ही कूल सा एक ओवरलैप लुक हमें मिल जाता है अब इसी शेप को मैं डुप्लीकेट कर सकता हूँ कंट्रोल जे प्रेस करके ठीक है और फिर इसे यहाँ पर मैं मूव कर लूँगा So, चलिए इतना यहाँ पर ले लेते हैं और जो लेयर मास्क है उसे डिलीट कर देंगे या डिलीट लेयर मास्क और एक न्यू लेयर मास्क क्रिएट करेंगे फिर बी प्रेस करूंगा और इस तरीके से मैं यहां से इस बारी से इरेज कर दूंगा तो हमें ये बहुत ही कूल सा एक लुक मिल जाता है अब सिंपली मुझे क्या करना है हमारा जो बेस है डिज़ाइन का वो रेडी है अब मुझे इसका एक कंप्लीट कॉम्पोजिशन रेडी करना है तो उसके लिए मैं सिंपली इस सर्कल को सिलेक्ट करूँगा कंट्रोल जे प्रेस करूँगा डुप्लीकेट करने के लिए इसको सेलेक्ट करेंगे इसको ऊपर ले लेते हैं इस तरीके से और फिर इससे मैं एज एन एलिमेंट यूज़ करके जहाँ पे भी मुझे इसे इस प्लेस करना है मैं वहाँ पर प्लेस कर सकता हूँ हमारा कंप्लीट कॉम्पोजिशन जो है वो रेडी करने के लिए फिर मैं यहाँ पर जाऊँगा और ओवरले ठीक है तो ओवरले पे सेट कर देंगे इस तरीके से ऑल्ट होल्ड करके मैं इसका कुछ डुप्लीकेट बना लूंगा मैं चाहो तो इनको बड़ा कर सकता हूं और यहां पर इस तरीके से प्लेस कर दूंगा और एक यहां पर इस तरीके से ठीक है अब इसी तरह से मैं इन जो रेक्टेंगल्स थे उनको सिलेक्ट करूंगा कंट्रोल जे प्रेस करके जो लेयर मास्क है उन्हें मैं डिलीट कर दूंगा और फिर मैं इन्हें जहां भी चाहूँ वहां पर एडजस्ट करके प्लेस कर सकता हूँ फॉर एग्जांपल मैंने एक ऐसे बना लिया और मैंने यहां पर एक प्लेस कर दिया इस तरीके से एक यहां पर और एक यहाँ पर इस तरीके से प्लेस कर दूंगा मैं साइजेस ऊपर ज़्यादा करके कम ज़्यादा करके ऐसे काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट लुक है तो हम अपने हिसाब से उसे चेंज कर सकते हैं सर्कल मैं एक यहाँ पर भी रखूँगा और इसे मैं एक्चुअली नॉर्मल कर दूँगा छोटा कर देंगे थोड़ा इस तरीके से और इसको नीचे ले, ले लेंगे और फिर एक लेयर मास्क ऐड करके इसको मैं इरेज कर दूंगा छोटा कर दूंगा सर्कल को और एक्चुअली इसे मुझे इसके ऊपर डालना है और फिर मैं इसे इरेज करूंगा तो हमें काइंड ऑफ एक शेडो भी मिल जाती है पीछे जो कि काफ़ी अच्छी दिख रही है तो ये हमारा फाइनल लुक जो है वो रेडी हो चुका है बट अभी यहाँ पे ये वीडियो खत्म नहीं होता हमें टेक्स्ट तो ऐड करना है बट उससे पहले कुछ हल्का फुल्का कलर करेक्शन भी करना है तो उसके लिए मैं जाऊँगा यहाँ पर और ऐड करूँगा कलर बैलेंस फिर आप लोग इसके साथ प्ले अराउंड कर सकते हो जैसे अगर मुझे साइन लुक में जाना है तो मैं इसको थोड़ा साइन की तरफ मूव कर लूँगा अगर मैं रेड रेड या यू नो काइंड ऑफ रेड लुक में जाना चाहता हूँ तो वैसे भी कर सकता हूँ बट साइन काफ़ी अच्छा लगता है और इसको मैं काइंड ऑफ ग्रीन टेंट में लेके जाऊँगा और इससे मैं लेके जाऊँगा थोड़ा से ब्ल्यू या तो आई गेस हम येलो साइड लेके जाते हैं काफ़ी अच्छा दिख रहा है ये तो आप लोग देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर और फाइनली एक और मैं वाइब्रेंस um, एड कर दूंगा इसको वाइब्रेंस जो है वो काफ़ी बढ़ा देंगे इस तरीके से और फाइनली एक ग्रीनी लुक मुझे इस पर ऐड करना है तो उसके लिए मैं सिंपली एक न्यू लेयर क्रिएट करूँगा इसे हम लोग रीनेम कर देंगे नॉइस और मेक uh, श्योर sure करना है कि जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक हो और मैं कंट्रोल डिलीट पे क्लिक करूँगा या दबाऊंगा या प्रेस करूंगा जिससे ये ब्लैक कलर अप्लाई हो जाएगा हमारे लेयर पर फिर मैं जाऊंगा फिल्टर नॉइस एंड ऐड नॉइस और हम यहाँ पर आई गेस ट्वेल्व ट्वेल पर्सन विल बी गुड हिट ओके और जो फिर ब्लैंडिंग मूड है उसे मैं स्क्रीन पर सेट कर दूँगा यहाँ पर जिससे हमें एक बहुत ही अच्छा सा एक ग्रेन मिल जाएगा हमारे कंप्लीट डिज़ाइन पर जो काफ़ी अच्छा दिख रहा है और फाइनली अब मैं सिंपली हमारा टेक्स्ट वुल जो है वो सिलेक्ट करूंगा और जो भी टेक्स्ट मुझे टाइप करना है वो मैं टाइप कर सकता हूँ तो इसे वाइट पे सेट करूंगा जो फॉन्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है एसएफ एसएफ प्रो डिस्प्ले वन ऑफ माय फेवरेट फॉन्ट ये एक पेड फॉन्ट है बट आप लोग जो भी अपना फेवरेट फॉन्ट हो वो यूज़ कर सकते हो तो मैंने यहां पर इस तरीके से प्लेस कर दूंगा और इसका एक डुप्लीकेट बना लेंगे यहां पर एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन इसे मैं छोटा कर लूंगा इस तरीके से यहां पर प्लेस कर दूंगा इससे प्रॉपर अलाइन हो रही है और इसे आई गेस सिक्सटीन पे रखते हैं स्मॉल nice सिक्सटीन थोड़ा ज़्यादा ही छोटा हो जाएगा एटीन वुड बी परफेक्ट या एंड बूम हमारा जो कंप्लीट पोस्टर डिज़ाइन है वो रेडी हो चुका है अब आप लोग इस टेक्निक को अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो जैसे अगर आपको सर्कल नहीं यूज़ करना आपको कोई और शेप यूज़ करना है तो वो भी यूज कर सकते हो रेक्टेंगल की जगह कोई ट्रायंगल यूज़ कर सकते हो या अल्फाबेट्स भी यूज़ कर सकते हो और ये लिटरली बहुत ही अमेजिंग दिखेगा सो दैट इज़ अरब गाइस आई होप आप लोगों को आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा है तो यार लाइक ज़रूर करना इस वीडियो को और अगर आप लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो यार सब्सक्राइब जरूर करना फ्री है और इसी के साथ मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में और हाँ जाते जाते मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो चलिए इसी के साथ मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑलवेज स्टे रॉ स्टे क्रिएटिव पीस आउट